गुड मॉर्निंग क्लास। हम बीएससी 6 एम फिजिकल केमिस्ट्री का मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा को हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, ठीक। देखो बेटा, हमें पता है कि सबसे बड़ा लेवल कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल। आपको बताया था ना पिछले लेक्चर में, सबसे बड़ा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल। इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर क्या आता है आपका, रोटेशनल। रोटेशनल के अंदर वाइब्रेशनल आता है, वाइब्रेशनल के अंदर क्या आता है, ट्रांसलेशनल, ठीक है। अब ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रा इतने छोटे होते हैं कि उनको हम जनरली क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो सबसे छोटा स्पेक्ट्रा हमारा क्या हुआ, जब ट्रांसलेशनल को हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो सबसे छोटा हमारा क्या हुआ, रोटेशनल। तो अब हम पढ़ेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे कितने एटम होंगे, दो एटम। एक एटम जिसका मास हमने M1 माना है, दूसरा एटम जिसका मास हमने क्या माना है, M2, ठीक है। ये दोनों एटम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये दोनों क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इनका जो टोटल डिस्टेंस है वो R0 है, बहुत जगह ये R भी लिखा है, और यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस एटम तक का जो डिस्टेंस है वो R1 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R2 है, ठीक है बेटा। अब हमें इसका रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे रिजल्ट निकालना है, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ER, एनर्जी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या हो जाएगा आपका, H² / 8π² i J (j+1), ठीक है। अब मुझे रिजल्ट डिराइव करना है तो मैं इसका क्या करूँगी, डेरिवेशन करूँगी, ठीक है। तो मैं इसका क्या निकालूँगी, डेरिवेशन। यहाँ पे ये जो J है ये क्या है, रोटेशनल लेवल। अब ये रोटेशनल लेवल आपका कुछ भी हो सकता है, ये आपका 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पढ़ा है आप लोगों ने। और इसकी जो वैल्यू होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, M1/M2। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, M1 + M2, फिर क्योंकि डिस्टेंस क्या है हमारा R0, हम इसको MR² होता है ना, आई मोमेंट इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, MR² होता है। R हमारा R0 है और M हमारा ये है, तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, ये रिड्यूस मास है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये आपका क्या है, रिड्यूस मास है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ I = μR0². इस M1 + M2 की जगह हमने क्या लिख दिया, म्यू, ठीक है बेटा। अब डेरिवेशन की बात करें तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, दो एटम को लिया है जो कि क्या है, डंबल है। यहाँ एक का मास M1 है और दूसरे का मास M2 है। ये दोनों क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जुड़े हुए हैं। अब ग्रेविटी की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ये, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ये कंडीशन ज़रूर सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, एट सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिस कंडीशन डैट इज क्या है हमारा, M1 R1 = क्या हो जाएगा हमारा, M1 R1 = M2 R2 मस्ट बी सेटिस्फाइड, मस्ट बी सेटिस्फाइड। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लेना है, क्या लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, M1 R1² + M2 R2² इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब
यूज इक्वेशन नंबर वन हियर, यूज यूज इक्वेशन नंबर वन हियर, नंबर वन हियर. ठीक है, वन क्या है हमारा, एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर टू. ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं, एम वन आर वन की जगह क्या लिख सकते हैं, एम टू आर टू. ठीक, और एम टू आर टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम वन आर वन. लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर है तो एक आर हम और एक्स्ट्रा में लिख देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आर वन एज इट इज रहने देंगे. उसके बाद इसको तो अगर हम तोड़ेंगे तो ये एम वन आर वन आर वन हुआ, तो आर वन एज इट इज रहा. अब एम वन आर वन की जगह हम क्या लिखेंगे, एम टू आर टू. तो हमने क्या लिख दिया, एम टू आर टू. प्लस यहाँ भी वही चीज, सेम चीज़ है, एक आर टू ले लो बाहर, दूसरा फिर एम टू आर टू. एम टू और आर टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम वन आर वन. ठीक, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आर वन और आर टू कॉमन ले सकते हैं. तो हम क्या ले लें, आर वन आर टू कॉमन ले लें, तो बचा क्या हमारा, एम टू प्लस एम वन. इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर थ्री. अब हमको पता है, वी नो डैट आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू क्या है हमारा, आर नॉट टोटल डिस्टेंस. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पुट दिस इन इक्वेशन वन. इक्वेशन वन हमारा क्या है, देखो एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर टू. ठीक है, तो आर टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से आर टू की वैल्यू पहले निकाल लो, आर टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर वन हो सकता है. तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर वन में एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर टू, तो इस आर टू की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एम वन आर वन एज इट इज रहेगा, एम टू अब आर टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर नॉट माइनस आर वन. ठीक, अब इसको ओपन कर दो, ये एम वन आर वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम टू आर नॉट माइनस एम टू आर वन. ठीक, आप क्या कर सकते हैं बेटा, ये जो आपका एम एम टू आर वन है इसको हम इधर ले आए, ये क्या हो जाएगा हमारा, एम वन आर वन प्लस एम टू आर वन. क्लियर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम टू आर नॉट. अब इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आर वन कॉमन ले लें, ये क्या हो जाएगा हमारा, एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम टू आर नॉट. ठीक, यहां से आर वन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, आर वन क्या हो जाएगा हमारा, एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू. ठीक, ये हो जाएगा हमारा आर नॉट. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फोर. इन सिमिलर वे अगर हम ऐसे आर टू की वैल्यू निकालें, ठीक, आर टू की वैल्यू इन सिमिलर वे हम, जैसे हमने आर वन निकाला ऐसे हम आर टू भी निकाल सकते हैं. तो इन सिमिलर वे आर टू इज इक्वल टू भी हमारा सेम यही आएगा, यहाँ एम टू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम वन, नीचे क्या हो जाएगा, एम वन प्लस एम टू, फिर ये पूरे में आर नॉट. ठीक, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फाइव. अरे भाई, जैसे हमने आर वन निकाला वैसे हम आर टू भी निकाल सकते हैं. ठीक, अब यूज इक्वेशन फोर एंड फाइव इन इक्वेशन थ्री. इक्वेशन थ्री देखो, इक्वेशन थ्री हमारा क्या था, इक्वेशन थ्री देखो पहले यहाँ जरा देख लो, इक्वेशन नंबर थ्री हमारा क्या था, ये था हमारा I इज इक्वल टू आर वन आर टू ब्रेकेट में एम एम टू प्लस एम वन था. ठीक है बेटा, तो ये इक्वेशन नंबर फोर आर वन की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर फाइव आर टू की वैल्यू है. इस इक्वेशन नंबर थ्री में हम पुट कर देंगे आर वन और आर टू की वैल्यू. तो जब हम आर वन और आर टू की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, I इज इक्वल टू आर वन की वैल्यू क्या है,
पहले तो हम ये लिख लें एम टू प्लस एम वन, ठीक है, इनटू में क्या था आर वन, आर वन और आर टू, तो पहले हम आर वन की वैल्यू लिखते हैं, ये क्या है हमारा एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, फिर ब्रैकेट में आर नॉट, इनटू में आर टू की वैल्यू ये है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू आर नॉट, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या निकल के आएगा हमारा एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, अब ये आर नॉट है, ये आर नॉट है, तो ये क्या हो जाएगा आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो वैल्यू थी इसको मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था रिड्यूस्ड, रिड्यूस मास लिया था इसके लिए, और जिसको हमने क्या म्यू से डिनोट किया था, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा म्यू आर नॉट स्क्वायर, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 6, ठीक। देखो ये तो हमने निकाल लिया आई, ठीक है, लेकिन ये जो हमारा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला, इसमें अब हमें किस, ये हमने इनर्शिया निकाल लिया, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये निकाल लिया आई निकाल लिया, अब हमें निकालना है जे, ठीक है। तो अब हम जे को लेके आते हैं, इस टर्म में हम क्या लाएंगे जे लाएंगे, तो अब मुझे क्या लाना है जे लाना है, इसके लिए हम लेंगे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल क्या होता है हमारा आई डब्ल्यू, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। यहाँ पे जो W है ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट J इंटू में J प्लस 1, फिर ये क्या हो जाएगा H अपॉन 2 पाई, एक तो हमारा एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू ये होता है और एक एंगुलर मोमेंटम हमारा ये होता है, तो हमें इस टर्म में लाना है तो हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 7 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। एल एंगुलर मोमेंटम को अगर हम क्वांटिटाइज कर दें, तो क्वांटिटाइज करने के बाद अगर ये आपका जे इंटू में जे प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई के बराबर हो जाए, तो अब हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये जो E है, ये E है आपका एनर्जी ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स, इसको हम E को बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल, ठीक। अब अगर एनर्जी को मैं रोटेशनल के टर्म में ले लूं तो हमारा क्या हो जाएगा ई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ आई डब्ल्यू स्क्वायर, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं हाफ आई डब्ल्यू, आई को ऊपर नीचे क्या कर दो डिवाइड कर दो, ठीक ठीक है। यहां पे अब देखो व्हाट इज आई डब्ल्यू, अगर हम इक्वेशन नंबर 7 देखें, इक्वेशन नंबर 7 क्या है, देखो इक्वेशन नंबर 7 में आई डब्ल्यू क्या है हमारे एल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ई आर इज इक्वल टू हाफ, अब इस आई डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई, अब यूज इक्वेशन नंबर 8 हेयर, 8 हेयर इक्वेशन नंबर 8 क्या है, देखो इक्वेशन नंबर 8 क्या है L इज इक्वल टू L की वैल्यू ये दी है इक्वेशन नंबर 8 में, यही वैल्यू हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे L की वैल्यू हम पुट कर दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा E R इज इक्वल टू हाफ, L की वैल्यू क्या दी गई है J इंटू में J प्लस 1 अपॉन I, अब क्योंकि ये स्क्वायर में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं H
अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, देखो 2 है यहाँ पे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो 2 4 2 8 तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और एच का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 8। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर बनाने के बाद ये 8 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर, फिर ये आई एज इट इज रहेगा, इंटू में जे, फिर जे प्लस 1। ठीक है, यही हमको सॉल्व करना था। ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था। अब यहाँ पे ये जो जे है ये इसकी वैल्यू 1 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर हमने जे इज इक्वल टू 0 रखा तो ई भी क्या है, ई 0 क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर आई इंटू में 0। जे की वैल्यू हमने 0 रखी है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0। ठीक, अगर हमने जे की वैल्यू 1 मानी तो ये ई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर आई इंटू में 1, फिर 1 प्लस 1। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर आई। ठीक, अगर हमने j की वैल्यू 2 ले ली तो ये हमारा e2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू में 2 रखो, 2 फिर अंदर 2 प्लस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 6h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर आई। ठीक, अगर हमने जे की वैल्यू 3 रखी तो ये ई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर आई इंटू में 3, फिर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई आई। ठीक है बेटा, ये हमने क्या जे की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को हमने इस फॉर्मूले में रखा और हमें ये वैल्यूज मिली। अब इन वैल्यूज का अगर हम डिफरेंस निकालें, इसका इसके बीच, इसका इसके बीच, इसका इसके बीच, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस निकल के आया, ये डिफरेंस निकल के यहाँ पे जो डिफरेंस इनके उनके बीच आएगा वो कितना आएगा, 2h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आएगा। इनमें और इनमें जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 4h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। इसमें और इसमें जो डिफरेंस निकल के आएगा वो होएगा 6h स्क्वायर 8 पाई आई। ये पाई स्क्वायर, हाँ पाई स्क्वायर ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब जे के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूले में तो इसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, और इनका अगर हम डिफरेंस देखेंगे एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, मतलब 0 से 1 में, 1 से 2 में, 2 से 3 में, तो इनके बीच इतने इतने का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अब इन वैल्यूज के बेसिस पे अगर हम इनमें स्पेस बनाएं, इनके एनर्जी लेवल में स्पेस बनाएं, मतलब जैसे जे जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है उनका लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मींस देखो ये 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो इनके एनर्जी लेवल में कितना स्पेस होगा, अब मैं उसको ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। मतलब स्पेसिंग बिटवीन लेवल्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं जे के साथ वैसे वैसे उनका स्पेस। देखो सबसे पहले जे, अगर हमने जे इज इक्वल टू 0 माना है तो उसकी एनर्जी कहीं यहाँ पे लाइक कर रही है, ठीक है। उसके बाद जब जे इज इक्वल टू 1 है तो वो कहीं यहाँ पे है, मतलब इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। और यहाँ पे ई 1 की वैल्यू कितनी आई थी, 2h अपॉन 8 पाई इस 2h स्क्वायर था, 2h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। ठीक, अब 2 के पास डायरेक्ट 6 आया था, ठीक है, तो j इज इक्वल टू जब 2 रखा
टू के पास सिक्स आया तो एनर्जी गैप थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसका एनर्जी लेवल कहीं यहाँ लाई करेगा। ये हो जाएगा ई टू इज इक्वल टू सिक्स एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर आई। जब जे इज इक्वल टू थ्री माना था तो 12 के अराउंड वैल्यू आई थी, तो जे इज इक्वल टू थ्री अब एनर्जी गैप और ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कहीं यहाँ पे लाई करेगी। तो ये हो जाएगा आपका 12 एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर आई। ठीक है, तो ये हमारा रहा स्पेक्ट्रा, किसका? रोटेशनल स्पेक्ट्रा, और इसे हम बोलेंगे रिजिड रोटर स्पेक्ट्रा। ये जो स्पेक्ट्रा रोटेशनल स्पेक्ट्रा फॉर्म हो रहा है ये किसके लिए है? रिजिड रोटर स्पेक्ट्रा के लिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिजिड रोटर स्पेक्ट्रा। क्लियर। अब बात करते हैं रोटेशनल सिलेक्शन रूल की। ये तो हो गया इस रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात हो गई। जे की वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो यहाँ कहीं बनेगा, वन आ रही तो यहाँ, टू आ रही तो यहाँ, थ्री आ रही तो यहाँ। ठीक है, ये क्या हो गया? स्पेस, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के बीच में स्पेस बन रहा है। ठीक, अब बात करते हैं रोटेशनल सिलेक्शन रूल की। रोटेशनल सिलेक्शन रूल की, सिलेक्शन रूल। ठीक है, देखो डेल जे इज इक्वल टू क्या मैंने बताया था, प्लस प्लस माइनस हाँ वन दोनों हो सकते हैं, प्लस वन भी हो सकता है और माइनस वन भी हो सकता है। प्लस वन किसके लिए है? एब्जॉर्प्शन के लिए। माइनस वन किसके लिए? इमिशन के लिए। मीन्स जो ट्रांजिशन हो रही है वो ट्रांजिशन जब वन जीरो से वन में हो या वन से टू में हो, टू से थ्री में हो, तो ये क्या हो रहा है? प्लस वन, जिसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और जब ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब हायर से लोअर में आ रहा है, तो थ्री से टू में जाएगा, टू से वन में जाएगा और वन से वो जीरो में जाएगा, तो ये बोलेंगे इमिशन। इमिशन, ठीक है, ये तो हो गया हमारा एनर्जी लेवल। अब बात करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा की, डैट इज फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के रोटेशनल स्पेक्ट्रा की, रोटेशनल स्पेक्ट्रा फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, फॉर्मूला क्या था आपका? ई आर इज इक्वल टू क्या था? एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस वन। ये है हमारा इक्वेशन नंबर वन। हमको पता है ई इज इक्वल टू क्या होता है? एच म्यू। ठीक है, तो यहाँ ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एच म्यू। तो ये क्या हो जाएगा? एच म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर आई जे जे प्लस वन। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब एच यहाँ पे आएगा तो एक एच स्क्वायर ऊपर है, एक एच नीचे जाएगा, तो एच से एच कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या बचेगा हमारा? एच, एट पाई स्क्वायर आई इंटू में जे, फिर जे प्लस वन। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर टू। अब हमको पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, और वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू बार। ठीक, तो यहाँ से हम v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? c म्यू बार। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर थ्री। अब यूज इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन वन, यूज इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन हमारा क्या है? ये है, और इक्वेशन थ्री हमारा ये है। ठीक है, यूज इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन टू है। इक्वेशन थ्री में ये इसकी ये है और इक्वेशन टू ये है। इस म्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सी म्यू बार। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? सी म्यू बार इज इक्वल टू एच अपॉन एट पाई स्क्वायर आई जे इंटू में जे प्लस वन। ठीक है, अब देखो सी को इधर ले लिए जाओ तो ये क्या हो जाएगा?
म्यू बार इज इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू में सी फिर जे इंटू जे प्लस 1। ठीक है बेटा, अब ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है, इसके लिए हम एक नया कांस्टेंट यूज़ करेंगे जिसको हम बोलेंगे बी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी फिर जे इंटू में जे प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे ये जो बी है इसको हम बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट, रोटेशनल कांस्टेंट कांस्टेंट। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी के इक्वल है बी कांस्टेंट। हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, बी इंटू में जे, फिर से लिखते हैं, वी बार इज इक्वल टू बी फिर जे इंटू में जे प्लस 1। बी हमारा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। अब अगर मैं j की वैल्यू अलग अलग पुट करूँ, मतलब j इज इक्वल टू 0 पुट करूँ, ठीक है, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर मैं j इज इक्वल टू 1 पुट करूँ, तो यहाँ पे 1 रखूँगी तो ये कितना आ जाएगा, 2b। अगर मैं j इज इक्वल टू 2 पुट करूँ इस वैल्यू में, तो ये क्या बन के आएगा, 6b। अगर मैं j इज इक्वल टू 3 पुट करती हूँ इस वाले में, तो ये क्या बन के आएगा, 12। तो ये आ गया हमारा क्या, जे की वैल्यू। अब मुझे ट्रांजिशन करना है, बिकॉज हमें स्पेक्ट्रा फाइंड आउट करना है, तो ट्रांजिशन के लिए क्या करना होगा, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आर डैश माइनस ई आर। एक लेवल में से हम दूसरे लेवल को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो डेल ई आर रोटेशनल के लिए निकाल रहे, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या था, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे डैश इंटू में जे प्लस 1 माइनस। ठीक है, अब डैश वाली वैल्यू नहीं लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू में जे प्लस 1। क्लियर बेटा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे ये और ये वैल्यू क्या है, कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। अब ब्रेकेट में क्या हो जाएगा हमारा, जे डैश जे प्लस 1, ये भी जे डैश है, ठीक है, माइनस ये कॉमन चला गया है, तो ये क्या हो जाएगा, जे फिर जे प्लस 1, ये बन के हमारे इक्वेशन नंबर 4। अब हम लगाते हैं सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल हमारा क्या कहता है, जे डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, एक अवर अगर एक अपर लेवल है तो अगला क्या हो जाएगा, जे प्लस 1, मतलब अगर जे डैश है तो दूसरा अगला क्या हो जाएगा, जे प्लस 1। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। ठीक है, हर जे डैश की जगह हम क्या रख देंगे, जे प्लस 1, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, डेल ई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई ब्रैकेट में, अब इस जे डैश की जगह हमें क्या पुट करना है, जे प्लस 1 ब्रैकेट में जे प्लस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, जे प्लस 2 माइनस जे फिर इंटू में जे प्लस 1। क्लियर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो खोलेंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जे प्लस 1, यहाँ भी जे प्लस 1 है, यहाँ भी जे प्लस 1 है, कॉमन ले लो, जब कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा हमारा, जे प्लस 2 माइनस जे, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, ठीक यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, 2 एच स्क्वायर, और ये फिर क्या हो जाएगा, जे प्लस 1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा चेंज इन एनर्जी। अब चेंज इन एनर्जी को अगर इन टर्म ऑफ वेव नंबर ले लें, तो हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू। ठीक है, या फिर इसको हम एच म्यू को क्या लिख सकते हैं, एच इंटू सी अपॉन लैम्डा,
या फिर इसको लिख सकते हैं एच म्यू बार। तो अगर अब मैं इसको इन टर्म ऑफ वेव नंबर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, एच सी डेल म्यू बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई 2 इंटू में जे प्लस 1। ठीक है, इस ये हमने किसकी जगह रखा है, डेल ई की जगह, जो अभी हमने पीछे वैल्यू निकाली थी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन 8 पाई आई सी। ठीक है, सी भी इधर चला गया और एच यहाँ था, एच स्क्वायर यहाँ था, एच से एच क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा इंटू में जे प्लस 1। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू को हमने वी कांस्टेंट माना था, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2b इंटू में जे प्लस 1। अब j की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3। अगर हमने j इज इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ से ये क्या बन गया हमारा, इस फॉर्मूले में 0 रखा तो 2b। अगर हमने j इज इक्वल टू 1 रखा इस फॉर्मूले में तो ये हमारा बन के आएगा 4b। अगर हमने z इज इक्वल टू 2 रखा इस फॉर्मूले में तो ये हमारा बन के आएगा 6b। अगर हमने z इज इक्वल टू 3 रखा इस फॉर्मूले में तो ये हमारा बन के आएगा 8b। अगर मैं इन सभी का डिफरेंस निकालूं, सब इन सभी एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस निकालूं, मतलब अगर मैं इन दो लेवल्स के बीच का डिफरेंस निकालूं तो ये कितना आ रहा है, 2b, ये भी कितना आ रहा है, 2b, ये भी कितना आ रहा है, 2b। मीन्स यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है वो 2b का है, मीन्स जो ट्रांजिशन आएगी वो 2b 2b के सेपरेशन पे होगी। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकती हूँ, डेल म्यू बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b, या फिर इसको ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2h अपॉन 4 पाई स्क्वायर आई सी। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो तो हमारी उसमें स्पेसिंग इक्वली, मीन्स हम यहाँ से ये एक चीज़ तो क्लियर हो गया, 2b 2b 2b, ये एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये जो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो तो हमारी उसमें जो स्पेसिंग स्पेसिंग क्या है, इक्वली स्पेसिंग नहीं है, बट जो ट्रांजिशन आ रही थी वो क्या थी, वो इक्वली स्पेसिंग थी। मीन्स अगर हम डायग्राम देखें, देखो जे इज इक्वल टू 0, ठीक है, वो कहीं यहाँ लाई कर रहा था, अभी मैंने पीछे बताया था 0 वैल्यू आई थी। जे इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसका एनर्जी लेवल कहीं यहाँ था, इसकी वैल्यू 2b आई थी। जे इज इक्वल टू 2, ये 6 आया था, थोड़ा ऊपर जाएगा उसको 6b लिखा था। जे इज इक्वल टू 3, 12 आया था, ये इससे और ज़्यादा गैप होगा इसमें, तो जे इज इक्वल टू 3 के लिए जो गैप आया था वो कुछ और ज़्यादा था, तुमने यहाँ पे लिख दिया 12b। ठीक है बेटा, इसके बाद जे इज इक्वल टू 4 कहीं ऊपर लाई करेगा, तो यहाँ पे मैं सपोज करो ये गैप ज़्यादा है, तो मैंने इसको जे इज इक्वल टू 4 के लिए यहाँ पे लिख दिया 20b। स्पेस नहीं है तो ये और ऊपर जाता, मतलब ये गैप बढ़ता ही जा रहा, कम और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंसेस आ रहे थे वो कितने कितने के आ रहे थे, वो आपके थे 2b 4b 6b 8b और 10b। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि जो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो तो उसमें स्पेसिंग इक्वली नहीं है, मतलब देखो स्पेस यहाँ कम है, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा। ठीक है, लेकिन जो ट्रांजिशन आ रही थी वो इक्वली स्पेस थी, मतलब हर एक के बीच में कितने कितने का गैप था, 2b 2b का गैप था। ठीक है बेटा, तो अगर एक ट्रांजिशन कहीं यहाँ पे हो रहा है तो दूसरा ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ पे होगा, तीसरा जो ट्रांजिशन है वो यहाँ से यहाँ पे होगा, और जो चौथा ट्रांजिशन है वो कहीं यहाँ से यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अगर इसका स्पेक्ट्रा ड्रा करें तो इसका स्पेक्ट्रा कुछ इस तरह से आएगा,
ये 0 to 1, 1 to 3, 2 to 3, 3 to 4 सिलेक्शन रूल था ना बेटा, 3 to 4, ठीक है। फिर 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 और 7 to 8। तो अगर हमें इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से इसका स्पेक्ट्रा आ रहा था। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।